नूरपुर के जांच में बीडीसी के उपचुनाव में मुकाबला काफी रोचक हुआ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी ओर भाजपा पार्टी के उम्मीदवार और एक तरफ अकेली आजाद लड़ रही पारुल सिंह। पारुल का जनता ने भरपूर सहयोग किया है और कांग्रेस पार्टी व भाजपा पार्टी को दरकिनार करते हुए पारुल को जीत दिला दी है। पारुल सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनका चुनावी सफर बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा है। अरे, चुनाव लड़ने का सफर बहुत कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि एक तरफ थी कांग्रेस और एक तरफ थी भाजपा। हम भाजपा नहीं कह सकते, हमारे मंत्री जी थे, वन मंत्री जी कह सकते हैं, और उनके साथ थे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, और हमें किसी भी पार्टी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। हमें दोनों पार्टियों से अनदेखा किया गया, जिसकी वजह से हमने ये लड़ाई अकेले ही लड़ने की ठानी, और हमारे साथ हमारी जनता थी। जनता ने हमें सहयोग दिया, हम जनता के सहयोग से ये लड़ाई जीतने में कामयाब हुए। आपकी मदर जो है चुनाव लड़े हैं, भारी बहुमत से जीते हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो वोट, इतने वोटों का जो था जितना कम पड़ा? सर, इस बार ये था, एक तो वर्किंग डे था, उसकी वजह से हमारे पोलिंग्स भी कम हुई हैं, और दूसरा ये था कि सर, एक तरफ कांग्रेस थी और एक तरफ भाजपा थे, दोनों तरफ नेता थे, हम आज़ाद थे, हमें इसलिए थोड़ा बहुमत में थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी जनता का पूरा सहयोग रहा। आने वाले समय में आप किस पार्टी को समर्थन देना चाहेंगे? सर, आने वाले समय में हम निका जी का समर्थन देना चाहते हैं। ऐसा क्यों? सर, निका जी का हमें सहयोग मिला था, तो इसलिए हम निका जी का समर्थन करना चाहते हैं। आपका आगे क्या लक्ष्य रहेगा? सर, हमारा लक्ष्य ये है कि हम जनता की सेवा करें, क्योंकि हमें पूरा सहयोग मिला है, इसलिए हम जनता की